पहले आनी शुरू हो जाती है। और फिर जिनके घर में सत्संग था, रश्मि आंटी तो इतने प्यार प्यारे मैसेजेस कर रहे थे, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, आएंगे तो समय पे ही आएंगे जब गुरु जी का हुक्म होगा। और बहुत 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 प्यारा दरबार, मैंने सुना है हर महीने यहाँ पे सत्संग होता है, और बहुत ब्लेसिंग होती है संगत जी जब जहाँ पे गुरु जी महाराज का आगमन होता है, और बार बार गुरु जी का आप सत्संग करते हो, संगत के चरण डालते हो, जब संगत आती है धन्य हो जाती है वो धरती, वो गलियां, वो चौबारे, वो दीवारें, वो जमीन, पता नहीं कहते हैं कि कितनी ही, हमें नहीं पता होता जिस धरती पे हम घर बनाते हैं कि हमने कभी सोचा भी नहीं होता कि यहाँ पे इतना पूजा पाठ होगा, चाहे वो किराए का घर हो चाहे वो आपका अपना घर हो, वो धरती ना पूजा मांगती है और वो चल के उस भगत को वहां तक लेके आती है। क्योंकि ना बहुत बार ऐसा सत्संग हुआ कि पता चला कहीं पे, मेरा एक स्टूडियो होता था वहां पे, उस मॉल में ना बहुत हमने सत्संग करे, गुरुजी ने कराए, बहुत सेवा ली, मेरे यहाँ पूरा दिन शुक्राना शब्द गुरबानी चलती थी, और जितने भी शॉपकीपर थे तो सारे ही मतलब एक एक करके गुरुजी को मानने लगे, तो वेट करते थे कि कब आंटी 10 बजे अपना स्टूडियो खोलेंगी और शुक्राना शुक्र करना चलेगा। पहले पहले ना मेरे को मतलब कुछ लोग बोलते थे मेरे स्टाफ के कि आंटी इतनी तेज चलाते हो, लोग डिस्टर्ब होते हैं। मैंने कहा जो डिस्टर्ब होगा वो दुकान का शटर बंद कर लेगा और जिसको सुनना होगा वो खोल लेगा। तो यही होने लगा, उन्होंने अपना सबने ही बोलना शुरू कर दिया कि जिस दिन ऑफ होता है हमें बड़ी वेट होती है कि आज हमने गुरबानी नहीं सुनी है। फिर हमने वहां पे गुरुजी का, गुरुजी ने बहुत बड़ा स्केल पे अपना बर्थडे सेलिब्रेट कराया। उसी समय संगत ने आके बताया कि इस मॉल में पहले शमशान घाट हुआ करता था, शमशान घाट था। तो कहते कि ये बड़ा ऐसे ही मतलब यहाँ पे ना बहुत पहले की बात है कि यहाँ पे लोग ना जिसको जैसे जलाने के लिए जब आते थे ना अपने फैमिली वालों को, कई बार ही ना उसकी राख भी नहीं लेने आते थे वो। तो ऐसी बुजुर्ग आंटी थी जो वहां रहती थी उस इलाके में, पता नहीं यार गुरुजी सत्संग क्यों शेयर करा रहे हैं, सोचा भी नहीं था मैंने। तो उन्होंने मेरे को बोला कि यहाँ पे ना बहुत सारी आत्माओं की मुक्ति नहीं हुई है, और जहां पे आत्माएं मुक्त होना चाहती हैं, जहां पे आत्माओं की मुक्ति नहीं होती है, वहां पे गुरु, कोई भी गुरु हो, आपका गुरु हो, किसी को आप मानते हो, या गुरु जी हैं या वाहे गुरु जी हैं, तो उनका ना सिमरन वहां पे जब होता है ना तो उन आत्माओं की मुक्ति होती है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, उन आंटी ने मेरे स्टूडियो में आके मुझे बोला कि तुम्हें साधन बनाया है गुरु जी ने, कि तुम उनकी मुक्ति का साधन बने हो। मैं तो बड़ी निहाल हो गई कि हम कहाँ इतने, हम इतने निमाणे, इतने पापी, हमें कहाँ ऐसा सेवा का मौका मिलता है। तो मैं और जोर शोर से फिर लग गई कि अब तो मेरे यहाँ कुछ गाने वाने कभी चलते ही नहीं थे। और उस हमारे उस टाइम मेरा नेल आर्ट का स्टूडियो था, तो जो भी संगत आते थे ना, चाहे वो गुरु जी को मानते थे चाहे नहीं मानते थे, तो जब गुरु जी के शुक्राने चल रहे होते थे तो वो पूछते तो है कि ये कौन से गुरु जी है। अब भाई मेरे से तो कोई पूछ ले बस वो तो फंस गया समझ लो, और जब तक उसके दिमाग में गुरुजी तन बदन में डाल नहीं दूंगी तो चैन नहीं मिलने वाला मुझे। अब 2 घंटे लगते हैं नेल आर्ट कराने में, नेल एक्सटेंशन करने में, और 2 घंटे जो तो मैं शुरू हो जाती थी बोलना, सत्संग सुनाना, क्योंकि फिर ना मुझे नहीं पता था कि मैं ये क्यों करती हूँ। उन्हीं दिनों में गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया जीके का, जहाँ पे गुरुजी जीके में सबसे पहले बैठते थे ग्रेटर क्लाश में, नाम तो मुझे याद नहीं उन आंटी का। उन आंटी ने एक सत्संग शेयर किया था यूट्यूब पे, उन्होंने कहा कि ना जब मैं गुरुजी के पास जाती थी ना तो गुरुजी मुझे, वो बड़े अच्छे घर की थी, बहुत रॉयल फैमिली से थी, बड़ी रिच थी, बड़ी लंबी गाड़ी में आती थी, तो गुरुजी उनको जाते ही कहते थे तू लंगर प्रसाद बाद में खाई हो, तू पहले जल प्रसाद पी ले, और तू ना चली जा लाजपत नगर मार्केट, सेंट्रल मार्केट में चली जा, और दुकान वालों को जाके मेरा सत्संग सुना गया। तो वो कहती थी कि बड़ी हैरान होती थी कि मैं इतने बड़े घर की शेवरलेट लेके चलती हूँ, शॉफर मेरे साथ चलता है, और मैं दुकान वालों को जाके क्या बोलूंगी, ऐसे गुरुजी के सत्संग सुनाने आई हूँ। तो अब हुक्म था गुरुजी का, गुरुजी ने कहा जाना तो तुझे पड़ेगा, कर्म कटवाने होते हैं ना, तो गुरुजी ऐसे ही जगह जगह भेजते हैं जैसे हमें भेज देते हैं सेवा करने, हमारे कर्मास कटते हैं। तो अब वो जाती, अब कपड़े लेने के बहाने जाती, ज्यादातर वो शॉपिंग करती थी कपड़ों की दुकान पे। मैं इसलिए बता रही हूँ कि मेरे साथ भी गुरुजी ने यही सब किया बहुत बारी। तो वो चली जाती थी और कपड़े इधर उधर देखती थी,
और फिर बहाना मतलब उसको समझ ही नहीं आता कि सत्संग कैसे शुरू करूं। तो वो ना अपने फोन में ना ऐसे मतलब मंत्र जाप चलाती थी जैसे मैं चलाई रखती हूँ हर वक्त। तो मुझे लगा कि ये तो मेरा ही सत्संग हो रहा है जो मैं सुन रही थी। तो फिर वो पूछ लेते थे कि ये कौन से आप सुनते हो, बस उसको फिर मौका मिल जाता था गुरु जी का सत्संग सुनाने का। और वो अपनी सेवा करती, 10-15 दुकानों में सुनाती। अब एक दो लोग तो ना इधर उधर मुंह फेर लेते थे, मतलब मालिक होते थे तो अपने वर्कर्स को कहते थे तुम क्या टाइम पास में लग जाते हो, अपना काम करो। तो वो फिर भी छोटा सत्संग सुना के कहती गुरु जी तो देख रहे होंगे मुझे, मेरी सेवाएं करके चली जाती। गुरु जी बड़ी परेशान होती थी, कहती गुरु जी कहते कर सेवा, कहते हाँ। तो फिर वो कहती कि पता नहीं मेरे को मन में सोचती मुझे फंसा ही देते हैं गुरु जी ना, मेरे को पता ही कहाँ कहाँ भेज देते हैं। उसको नहीं पता था कि उनके कितने कर्म कट रहे हैं। जब मैं वो सत्संग सुन रही थी तो मुझे एकदम मेरे को अपना ही विजन आया कि मैं भी तो ऐसे ही करती हूँ कि कोई मेरी सत्संग सुने या ना सुने, अब वो मेरे यहाँ नेल आर्ट कराने आ रहा है, बच्चियाँ यंगस्टर बच्चे आ रहे हैं, अब उनको मैं शुरू हो जाती थी। तुम्हें पता है हमारे गुरु जी हैं, तुम्हें पता है उनका छतरपुर में मंदिर है, तुम्हें पता है वहाँ का लंगर प्रसाद ऐसे, तुम जरूर जाया करो, इस दिन मंदिर बंद होता है, इसी मैं तुम्हें लेके चलूंगी, मेरी गाड़ी में चलना, मैं सेवा करूंगी। फिर मैं उनको कभी कैंसर का कभी, अब वो बच्चे उस टाइम शायद मन मार के सत्संग सुनते होंगे, जैसे कि हमारे बच्चे होते हैं ना, तो हमारे बच्चों का, हम सबके बच्चों का, हम भी जब बच्चे थे तो हमारे 8 होते हैं पीरियड होते हैं क्लास में। कोई कोई एक ऐसा पीरियड होता है जो किसी को पसंद भी नहीं होता, चाहे वो कंप्यूटर का होता है, चाहे वो आर्ट का होता है, चाहे वो साइंस का होता है, होता है ऐसा, पर हमें वो पीरियड अटेंड जरूर करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम वो नहीं करेंगे तो हमें रिजल्ट नहीं आएगा, एक पीरियड भी नहीं हम छोड़ सकते हैं। तो तब मुझे गुरु जी ने यही बताया कि ये जो मेरा तुम सत्संग सुनाते हो ये भी तुम्हारे चैप्टर का ही एक हिस्सा है, कि तुम्हारा मन नहीं भी करे तो भी तुम्हें सुनना पड़ेगा। जैसे कि आज आप लोग फंस के बैठे हो, फंसे बैठे हो, सुनना तो पड़ेगा। तो चैप्टर भी कहोगे खत्म हो गया, सत्संग खत्म, अब जल्दी जल्दी लंगर दो, डांस वांस कराओ, भेजो, आंटी ने फंसा दिया। देखो ये भी गुरु जी का हुक्म होता है। अब आजकल तो मैं बहुत छोटे छोटे सत्संग शेयर करती हूँ 15-20 मिनट के, पहले तो मैं 1-1 घंटा बोलती थी। ये पूजा आंटी हमारी देखती रहती थी मुझे कि कब मुझे आंटी देखे, इशारा करे, हमें घर जाना है, जैसे हम दिल्ली में कहीं जाते हैं। तो मैं अपना बोलती रहती, बोलती भाव में। अच्छा फिर ना लोग भी घेर के बैठ जाते थे, और सुनाओ और सुनाओ, और फिर जाने वाले चले गए, फिर कुछ संगत रह जाती थी, अभी मन नहीं भरा, अभी मन नहीं भरा, और सुनाओ। वो गुरु जी सब करवाते हैं। तो मैंने भी ये करना शुरू किया कि उनको सत्संग सुनाने लगी मैं 2-2 घंटे का। अब वो धीरे धीरे ना जब वो दोबारा आते ना अपनी रीफिलिंग कराने, तो वो मुझे कहते आंटी बताओ ना गुरु जी का सत्संग सुनाओ ना, ये इतना अच्छा लगता था कि उनमें से 90% लोग तो गुरु जी के मंदिर जाने शुरू हो गए, गुरु जी को मानना शुरू हो गए, गुरु जी ने हमसे सेवा बख्शी हुई थी हमें, और उन्होंने बच्चों ने अपने घर में जाके बताना शुरू कर दिया कि ऐसे ऐसे आंटी है, उनकी मम्मियाँ भी आना शुरू हो गई। तो संगत को जोड़ते चले गए, गुरु जी ने तो ये कहा ना संगत को जोड़ो, खुद से नहीं जोड़ना, संगत को जोड़ना है। उन्हीं में से एक लड़की थी जो मुझे पता चला कि वो अमृत वेला करती थी, आज भी वो लड़की है, ईशा नाम है उसका, शायद वो सत्संग सुनेगी तो खुश हो जाएगी। तो मुझे पता चला कि वो अनमैरिड थी और वो रोज अमृत वेला करती थी, ठंड में भी बहुत संगत आती थी उसके यहाँ। उन दिनों मैं अमृत वेला नहीं करती थी, मेरा छूटा हुआ था, तो मैंने कहा इतनी छोटी लड़की अमृत वेला करती है और मैं तो कब से करती आ रही हूँ गुरुद्वारे का, मैंने क्यों छोड़ दिया करना। तो मुझे इंस्पिरेशन मिले कि मैं भी करना शुरू करूँ, फिर मैंने किया, फिर छूट गया, फिर किया, ऐसे होता रहा। तो बहुत बहुत गुरु जी ने उस टाइम ब्लेसिंग दी और हजारों संगत को गुरु जी ने जोड़ा। और जब उन आंटी ने जब मुझे बताया कि मुक्ति का साधन तुम्हें चुना है, इन आत्माओं की मुक्ति होगी तो तुम्हें बहुत ब्लेसिंग मिलेगी, फिर मैं हमेशा एक ही बात सोचती रहती थी पता नहीं कौन कौन सी यहाँ पे आत्माएं मुक्त हो रही हैं, अब पता नहीं वो मेरे को तंग ही ना करें कभी आके या अच्छा फील कराएंगी, पर मैं बड़ी पॉजिटिव रहती थी। तो उन्हीं दिनों की बात है कि हमारे घर में थोड़े दिनों के बाद ही मेरे घर में अमृत वेला होता था, तो मुझे ना वहाँ पे मुझे अपने घर में मंत्र जाप करते हुए गुरु जी गद्दी लगी हुई है जो ऊपर राइट साइड कॉर्नर में पर्दे के पास, आंखें बंद करी हुई थी, तो मुझे लगा कोई जंजीरों में ऐसे किसी को जकड़ा हुआ है, एक आंटी को, और वो जंजीरें तोड़ रही है कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तब हमने गुरु जी को बोला कि इनकी मुक्ति के लिए हम 108 मंत्र जाप करते हैं, यहाँ पे कोई आत्मा है।
हमें तब समझ में नहीं आता था, बात ये थी कि उन्हें उससे थोड़ा टाइम पहले ना हमें अपना घर सेल करना पड़ा था और हम रेंट पे चले गए थे, क्योंकि मेरा और मेरे बेटे का और मेरे हस्बैंड का कोई प्रोजेक्ट था, हमें कुछ ऐसा ऐसा था कि हमें जमीन और भी बेचनी पड़ी तो हमें वहां लगाना था, और हमारा जो घर था हमें